नमस्कार। नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी मीन्स साइंस और ट्रुथ, द स्टडी ऑफ ट्रुथ। अपोजिट दैट इज मिथोलॉजी, व्हिच मीन्स साइंस और स्टडी ऑफ फेक लाइफ और इमेजिनेशन। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए फॉर वेरी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन। हमारे इस चैनल को आप लाइक करिए। और अच्छा, आज जो हम विषय ले रहे हैं कि महात्मा गांधी अप्रासंगिकता दिखता, मतलब कि इरेलीवेंस ऑफ महात्मा गांधी। क्यों इरेलीवेंट है महात्मा गांधी आज, और क्यों उनके विषय में पश्चिम देश इतना ज्यादा बात करते हैं? अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो हर जगह महात्मा गांधी को कोट किया जाता है। अगर आपको कोटेशन का हिस्ट्री मालूम हो, उसी को कोट किया जाता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है जनरली, मतलब कुछ को रेलेवेंस को छोड़ के। बट इन द वेस्ट किसी को महात्मा गांधी के बारे में मालूम नहीं है। ये ब्रिटिश हीरो हैं और ब्रिटिश हीरो ही रहेंगे पूरी दुनिया में। सो विदाउट डिले, लेट अस वेलकम प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। वेलकम टू दिस नमस्कार शो। नमस्कार। जय नमस्कार। जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो महात्मा गांधी के बारे में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखा गया अब तक, और पुस्तकें भी आ चुकी हैं, और अभी 2 अक्टूबर को तो उनके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई सोशल मीडिया पर भी, दैट हाउ ही उनका जो पर्सनल लाइफ था वो, उस पर लोगों ने क्वेश्चन किया। आपको महात्मा गांधी कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी हिम टुडे? देखिए, महात्मा गांधी अपने समय के एक बड़े कांग्रेस के नेता थे, ये तो सर्वविदित है और स्पष्ट है। लेकिन दो बातें हैं, एक तो उनका निजी जीवन है, हम लोग चाहें तो उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है उनके विचार क्या हैं। जहां तक विचारों की बात है, एक नेता के रूप में वो कोई विचारक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उनके विचारों में कोई कोहरेंस नहीं है, कोई सुसंगति नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं है, फुटकर फुटकर कथन है, कभी ये कह दिया कभी वो कह दिया। लेकिन कुछ बातें उन्होंने लगातार कही हैं, जैसे कि गौरक्षा, मेरे लिए गौरक्षा स्वराज्य से भी बढ़कर है। या जैसे उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा दोनों, सत्य को पाने का साधन अहिंसा है और मैं सत्य की साधना करूंगा। और जैसे उन्होंने कहा कि मैं सदा ही निष्पक्ष बात कहूंगा, या जैसा उन्होंने कहा कि मेरी सांस सांस में भगवान राम बसते हैं और मैं तो राम का सहारा लेकर ही आगे बढ़ा हूँ, या ये कहा कि गीता मेरी माता है। तो ये सब बातें एक ओर हैं, दूसरी ओर उन्होंने इसके विरुद्ध भी बातें कही, तो उनके विचारों में कोई सुसंगति नहीं। और लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो वर्तमान भारत है, इस समय जो भारत है, 15 अगस्त 1947 के बाद जैसा भारत रचा गया, उसके विषय में कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह ऐसे भारत के विषय में है जो उनके समय में था, यानी जब वो युवा हुए 20वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में, तब से लेके अफ्रीका गए, फिर पहले इंग्लैंड गए, फिर अफ्रीका गए, फिर भारत आए, भारत में काफी गोखले जी के परामर्श से में, और इसके बाद वो कांग्रेस में 1918-19 से सक्रिय हुए। तो उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा वो उस समय के भारत के विषय में था, अंग्रेजों के विषय में था, क्रांतिकारियों के विषय में था, और हिंदू समाज के विषय में था, और मुसलमानों और ईसाइयों के विषय में था। उनमें से कोई भी बात आज भारत में कोई नहीं मानता। जहां तक उनकी विश्व में चर्चा की बात है, ये तो विश्व में भारत की शक्ति से घबरा कर लोग गांधी जी की बात ज्यादा इसलिए करते हैं कि भारत जो अपने उसके अपनी वास्तविक उत्तराधिकार है, उसकी विरासत है, उसका जो परंपरा है, उसका जो ज्ञान है, उसका जो शौर्य है, उसकी जो वीरता है, उसकी जो तेजस्विता है, उसके जो प्रतीक हैं और उसके जो इतिहास पुरुष हैं, उनका नाम न लेने लगे। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण से लेकर सम्राट विक्रमादित्य, या चोल चालुक्य आदि महाराज, बहुत बड़े बड़े जो सम्राट हुए हैं, अथवा हमारे जो महाराणा प्रताप से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक जो वीर पुरुष हुए हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे हुए हैं, जो भी हुए हैं उनकी कोई बात न करें, लोकमान्य तिलक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कोई बात न करने लगे, उससे व्यस्त घबराता है। तो इसलिए वो ऐसे व्यक्ति का नाम लेता है कि भारत
पहचान केवल गांधी से हो। तो वेस्ट के जो डिप्लोमेट्स हैं और जो लोग डिप्लोमेसी के लिए भारत से डील करते हैं, उनको गांधी जी को सामने रखना पसंद करते हैं। भारत में गांधी जी का नाम क्यों लिया जाता है, इस पर भी अपन बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि गांधी जी का कोई भी विचार प्रासंगिक नहीं। गांधी जी 1918 तक तो ये कहते रहे, 19 लगभग, कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे वफादार सिपाही हूँ और मैं चाहता हूँ कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थायी रहे, निर्विघ्न रहे, और ये कुछ गलतियों के कारण, कुछ चूक के कारण ये अनब्रिटिश रूल है और ये ब्रिटिश परंपरा के अनुसार शासन नहीं है, इससे यहाँ दिक्कत जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ब्रिटेन ऐसे चले जिससे कि वो यहाँ स्थायी रहे। इसके बाद वो असहयोग आंदोलन उन्होंने किया, तो उसमें ये था कि भाई कांग्रेस की पार्टी का भी तो वो प्रस्ताव था, और दूसरे ये था कि अंग्रेजों की कुछ नीतियों से जो व्यापक असंतोष हो रहा था, तो कांग्रेस जब गांधी जी के प्रभाव में आ गई, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और उनका पूरा एक पूरा समूह है, तो उन लोगों ने सोचा कि अब उन्होंने सोचा या अंग्रेजों ने इशारा किया कि यार तुम भी अपनी लेजिटिमेसी, अपनी वैधता तभी प्राप्त करोगे जब तुम जन भावनाओं की बात करो। तो उन्होंने कुछ कानूनों का विरोध किया, लेकिन बहुत कमजोर विरोध था, और क्योंकि उसमें शासन की भी, यानी ब्रिटिश शासन का पूरा सहयोग था, तो इसलिए वो बड़ी भीड़ उमड़ती थी। हो ये रहा है कि आधुनिक काल में प्रोपेगेंडा के लेवल पे जो बातें होती हैं उसका तथ्य से कोई संबंध ही नहीं होता। जैसे एक सामान्य सी बात है कि अपने समय में सबसे ज्यादा वही बात फैलती है जिसको या तो शासन फैलाए या बहुत शक्तिशाली लोग फैलाएं या फिर बहुत वीर लोग फैलाएं, है ना। मतलब जो शासन के विरोधी बहुत वीर हों, तेजस्वी हों। तो गांधी जी न तो शासन के वीर विरोधियों में थे और न ही वो कोई ऐसा शासन से वास्तविक कोई संघर्ष कर रहे थे, तो इसलिए उनकी बातें, उनका नाम, उनकी बातें जो फैली वो ब्रिटिश साम्राज्य ने फैलवाई। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश शासन के हित में था। लेकिन वो सब तात्कालिक काम थे। मुख्य बात यह है कि उन्होंने जो समाज के विषय में, क्योंकि मुख्यतः तो लोग बात करते हैं कि उन्होंने हिंदू समाज के विषय में ये कहा वो कहा, समाज के विषय में गांधी जी ने जो कहा वो आज सब इररिलेवेंट है। कैसे? उस समय हिंदू समाज के जो, जैसे हर समाज में होता है, काल प्रवाह से कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ कमी आ जाती है, तो उसके जो सपूत और सपुत्रियां होते हैं, जो धर्म और शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, जो पुरुषार्थी और वीर होते हैं, जो तपस्वी और तेजस्वी होते हैं, वो देख लेते हैं कि ये तो कुछ बुराई आ गई समाज में, उसको दूर करते हैं। तो पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित दीनदयाल शर्मा के नेतृत्व में 1905 से ही सनातन धर्म महासभा और भारत धर्म महामंडल आदि संगठनों में ये बात होने लगी थी कि जो अस्पृश्यता के नाम से कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ ज्यादा एकांगी लोग हो रहे हैं, क्योंकि अस्पृश्यता तो शौच के आधार पर थी और बहुत प्रकार की है, घरों में भी है, कई वो भी उसके विस्तार में नहीं जाते, लेकिन बाद में वो सामाजिक स्तर पर ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज उसका बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। तो कहा गया कि भाई ये अस्पृश्यता का जो शास्त्र सम्मत रूप है उतना तो रखे रहो, लेकिन मुख्यतः अस्पृश्यता का जातिगत रूप समाप्त कर दो। तो वो पहले कह दिया था उन्होंने। इसी प्रकार स्वदेशी की बात बंग भंग आंदोलन के समय ही हो गई थी। उस समय रासबिहारी बोस और बिपिन चंद्र पाल, श्री अरविंद आदि ने स्वदेशी की बात कही थी। लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने भी उसमें पूरा सहयोग दिया था, और सारे देश में स्वदेशी की बात 1905 में हो गई थी, जब कर्जन ने बंगाल का विभाजन करने की सोचा। हिंदू शक्ति से घबराकर उसने हिंदू बंगाल और मुस्लिम बंगाल में बंगाल का विभाजन करने की सोची। अंत में वो लोग सफल हुए, लेकिन वो सफल हुए आके 1947 में, लेकिन उस समय उनको झुकना पड़ा। तो स्वदेशी का भाव और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक स्तर पर जाति के आधार पर फैल रही बुराई को का विरोध हिंदू समाज के प्रबुद्ध और तेजस्वी लोगों ने बहुत पहले से शुरू कर दिया था, जब गांधी जी कहीं भारत के राजनीतिक आकाश में थे ही नहीं। तो गांधी जी को शायद
अंग्रेजों ने कुछ फीडबैक दिया होगा या कहा होगा कि देखो तुम उन्हीं मुद्दों को उठाओ जो भारत में लोकप्रिय हैं, तो उससे तुमको हम अपने प्रोपेगेंडा के द्वारा लोकप्रिय बना देंगे। तो गांधी जी को लोकप्रिय बनाया। अभी तो एक सर्कुलर सामने आ गया है कि गांधी जी को महात्मा कहा जाए शासन के स्तर पर, ये ब्रिटिश सर्कुलर है, मैंने ब्रिटिश भारतीय सरकार का वायसराय का सर्कुलर है। इसी प्रकार उनको अंग्रेज नियमित वेतन देते थे, इसका भी प्रमाण मिल गया है। तो अंग्रेजों ने जो उनसे कहा वो उन्होंने किया, ये तो उनके जीवन से संबंधित। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने विचार व्यक्त किए वो एक ऐसे हिंदू समाज के विषय में था जो 15 अगस्त 1947 के बाद उसका पूरा उसकी संरचना बदल गई है, पूरा स्ट्रक्चर बदल गया है, स्टेट के द्वारा फोर्सफुली बदला गया है, बलपूर्वक और कानून के द्वारा बदला गया है। उसके विषय में तो उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। जैसे एक एक लेते हैं, उन्होंने स्वदेशी की बात की। स्वदेशी तो कुछ है ही नहीं है वर्तमान भारत में, 15 अगस्त 1947 के बाद तो सब कुछ विदेशों से आयातित है। यहाँ तक कि जो थॉट सिस्टम है, जो यूनिवर्सिटीज में सोशल साइंसेज में जो भी सोशल स्टडीज हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, ह्यूमैनिटीज के जितने भी विषय हैं, उनमें केवल यूरोपीय विचार मुख्यतः पढ़ाए जाते हैं, नाम मात्र को भारत की चर्चा भी कर दी जाती है। लेकिन जो भी पिछले 150-200 वर्षों में यूरोप में पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं या सोशल साइंटिस्ट हुए हैं या इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्हीं को पढ़ाया जाता है। स्वदेशी कहाँ से रहा? जब आप विचार ही भारतीय राजनीति शास्त्र का नहीं पढ़ाएंगे, है ना, रामायण महाभारत से लेके चाणक्य के अर्थशास्त्र और शुक्र नीति और बृहस्पति नीति और मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति, इनमें जो राजनीति शास्त्र प्रतिपादित है उनको नहीं पढ़ाएंगे, जब आप धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित समाज शास्त्र को नहीं पढ़ाएंगे और जब आप धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित अर्थशास्त्र को नहीं पढ़ाएंगे, तो काहे का स्वदेशी? तो स्वदेशी तो इस समय है ही नहीं, 15 अगस्त 1947 के बाद। दूसरे, उस समय जो पहला सेंसस हुआ था अंग्रेजों ने किया था, तो उन्होंने सोचा था कि जैसे इंग्लैंड में स्लेव्स बहुत हैं और जो पीजेंट्स के पास जो सर्फ्स हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है और जो वास्तव में स्वतंत्र किसान हैं वो बहुत थोड़े हैं, और बाकी तो लॉर्ड लोग सबसे शक्तिशाली हैं और रॉयल हाउसेज और पादरी चर्च, तो ऐसा यहाँ भी होगा। तो उन्होंने पहले ब्राह्मणों को चर्च के प्रीस्ट की तरह प्रचारित किया, लेकिन ब्राह्मण तो उस तरह यहाँ था नहीं। फिर उन्होंने कोशिश की कि अनटचेबल्स की गणना कराएं, कि ये सर्प की तरह इनको बताएं इंग्लैंड के और यूरोप के, तो वो कुल 2.5% निकले। पहले सेंसस में केवल अनटचेबल्स की गणना हुई तो वो उस समय हिंदू समाज का 2.5% थे। तो ये इतनी छोटी संख्या थी कि वो उनका जमा नहीं, लेकिन उसका पादरी लोग उसका हल्ला करते रहे कि अनटचेबिलिटी बहुत बड़ा कर्प है। गांधी जी ने भी कहा कि कर्प है, और जो प्रबुद्ध हिंदू थे वो भी, उनको लगता था कि और तो हमें कोई कमी नहीं है, ये एक कमी है इसको दूर कर दें। तो उन्होंने, हमारे यहाँ थोड़ा पौराणिक शैली का बहुत से लोगों को अभ्यास है, तो कोई एक बात जब लो तो उसी को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कह दो, ऐसा अभ्यास है। तो उन्होंने ये समझा कि ठीक है अभी कह दो कर्प है। मुख्यतः इसका जो संदर्भ है, जो परिप्रेक्ष्य है, वो तो हम सब जानते ही हैं कि थोड़ा सा ही है, तो थोड़ी सी चीज है इसे हटा दो। तो वो अनटचेबिलिटी का जो उन्होंने इश्यू बनाया, उसमें सारे हिंदू समाज का साथ था, सिवाय थोड़े से लोग जो उसको गलत समझ रहे थे, जिनको लग रहा था कि हमारे एक स्तर पे ठीक ही लग रहा था कि ये धीरे धीरे हमारे धर्मशास्त्रों को रिलेवेंट बना रहे हैं, धर्मशास्त्रों में जो आचार विचार की शुचिता और शौच है उसका भी उपेक्षा हो रही है नई नई हवा में। तो वो जो हवा बह रही थी राजनीति के द्वारा बलपूर्वक बहाई जा रही थी, उसको न देख के गांधी जी की बातों में देखा और उसका विरोध किया। लेकिन मुख्य बात यह है कि वो आज स्थिति कहाँ है? जिस तरह के अन्याय की या अपमान की बात करते हैं, तो स्वयं गांधी जी के समय वो हरिजन में और यंग इंडिया में छपे थे आंकड़े, बाद में वो पुस्तकाकार कई लोगों ने लिखे और वो सब प्रकाशित हुए। सुंदरलाल ने भारत में अंग्रेजी राज में भारतीय शिक्षा का सर्वनाश नामक अध्याय में लिखा है, धर्मपाल ने द ब्यूटीफुल ट्री में उन्हीं सब का संकलन किया है। तो अंग्रेजों का संकलन था कि भारत के हर गांव में एक पाठशाला है, बड़े गांव में एक से अधिक पाठशाला है, शहरों में अनेक पाठशालाएं हैं, इसमें हर जाति के शिक्षक पढ़ाते हैं और हर जाति के छात्र पढ़ते हैं। तो इसलिए वो फूट निकल गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर मान भी लें कि अनटचेबिलिटी को दूर करना है, तो अब कहाँ, अब तो समस्या उल्टी है।
अब तो अनटचेबिलिटी का झूठा आरोप लगाकर कुछ नए ऐसे कानून बना दिए हैं कि अगर शेड्यूल कास्ट तो शेड्यूल टाइप के लोग कोई आरोप लगाते हैं तो पहले आप अरेस्ट होके अंदर जाएंगे। हाँ, आप निर्दोष हैं ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। जो तो प्राथमिक जांच होती थी उसको भी अभी मोदी सरकार ने बंद कर दिया है कि नहीं, पहले तो आप अंदर जाएंगे, हवालात में जाएंगे और स्वयं को निर्दोष सिद्ध कीजिए। और इसके कारण हजारों निर्दोष लोग कारागार में बंद हैं और मुकदमा लड़ने को भी बैठे हैं। तो ये तो स्थिति बदल गई। दूसरा, जो उस समय के अनटचेबल्स थे जिनको वो कहते हैं कि अपमान सहना पड़ता था थोड़ा बहुत भेदभाव के कारण, उसका इतना जो अति मतलब अतिरंजित प्रचार किया वो अब कहाँ है। अब तो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट के जज, IAS, IPS, सचिव, संयुक्त सचिव, जिलाधीश, आयुक्त और बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सभी उन जातियों के हैं। इतना ही नहीं, उस जाति का एक उन जातियों में से एक नया वर्ग खड़ा हो गया है जो अपने आप को कभी भीम की सेना की बात करता है, यानी भीमराव अंबेडकर की, कभी नौबौद्ध कहता है। वो तो कहता है कि यहाँ से जो तथाकथित उच्च जातियां हैं उनको हम भारत से निकाल बाहर करेंगे, उनको हम अफ्रीका भेज देंगे, तो यूरोप भेज देंगे और यहाँ केवल हमारा ही शासन होगा। तो अब वो तो इररिलेवेंट हो गया ना। जिस करुणा की बात की जाती थी कि अरे भाई अनटचेबल्स भी अपने ही हैं, और वो अनटचेबल्स के साथ खराब व्यवहार कौन करता था, तो सबसे ज्यादा तो जिन्हें OBC कहा जाता है, अदर बैकवर्ड कास्ट कहा गया है मंडल कमीशन के बाद, 1989-90 के बाद, वही लोग सबसे ज्यादा करते हैं। जितनी शिकायतें हैं पुरानी वो तो उन्हीं लोगों की ज्यादा हैं जो बाद में OBC कहे गए। तो अब वो भी अपने आप को हरिजनों या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के समकक्ष ले आए हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बराबर OBC भी हो गया है, और वो कहते हैं कि जो बाकी अपर कास्ट हैं तथाकथित उनको हम भारत से निकाल बाहर करेंगे, अपने अधीन लाएंगे। सिचुएशन बदल गई। तो गांधी जी जो कह रहे थे, एक ऐसा समाज जिसमें 2.5% या 5% या 6% लोगों के साथ शेष 94% लोग कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जो ठीक नहीं था, अच्छा नहीं लगता था, बस इतनी सी बात थी। न तो उनका खाना पीना रोक रहे थे, न उनकी आर्थिक अधिकार हट रहे थे, सबके पास संपत्ति थी, शक्ति थी, सब रिकॉर्ड है, शिक्षा थी। लेकिन मान लो व्यवहार में कोई थोड़ा जाति के आधार पे ऊंच नीच करते हो, वो सिचुएशन कहाँ है। अब तो उल्टा हो गया। ब्राह्मण होना, क्षत्रिय होना, उच्च कुल का वैश्य होना अपराध हो गया। उनको तो देश से निकालने की बात करते हैं, उनके ऊपर आक्षेप, पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखे जाते हैं, पुस्तकें लिखी जाती हैं, भाषण दिया जाता है। इसके विषय में गांधी जी ने तो कुछ नहीं सोचा था। तो गांधी जी सोशल इश्यूज में इररिलेवेंट हैं, क्योंकि तो आज जो भारत है उसके विषय में गांधी जी ने कुछ सोचा ही नहीं था। इसके बाद समाज को बहुत वो कहते थे कि ब्राह्मण ये करें, ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तपस्वी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, ब्राह्मणों को ये करना चाहिए। वो तो ब्राह्मण के पास वैसी कोई शक्ति ही नहीं, ब्राह्मण को कोई विशेष अधिकार नहीं है, ब्राह्मण के कोई विशेष सम्मान नहीं है। और जिस समाज का वो कहते थे कि ऐसे करना चाहिए, उस समाज के पास तो कोई शक्ति ही नहीं है। ये जो मॉडर्न नेशन स्टेट है, जो साथ में इन्होंने सोवियत संघ की तर्ज पर जवाहरलाल नेहरू ने जो स्टेट की मोनोपोली कर दी हर विषय में, तो धार्मिक मामलों में, मंदिरों के मामले में, मठों और संप्रदायों के जो न्यास आदि हैं, ट्रस्ट और सोसाइटी, सब मामले में स्टेट पावरफुल है। स्टेट किसी भी मठ, किसी भी संप्रदाय के विरुद्ध चाहे जब एक्शन ले लेता है अपने कुछ लोगों के द्वारा रिपोर्ट तैयार करा के, तब ना तो बताइए, शंकराचार्य को एक झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया, संसार में किसी भी रिलीजियस सेक्ट को इतनी सरलता से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गौरक्षा के समय बड़े बड़े शंकराचार्य और धर्माचार्य वहां केवल गौरक्षा की मांग के लिए बैठे थे, जिसको गांधी जी कहते थे कि स्वराज्य से भी अधिक मुझे गौरक्षा प्रिय। तो उनको कुछ को गोलियों से भून दिया, कुछ को लाठियों से मारा और घायल कर दिया। तो ये तो गांधी जी ने कल्पना ही नहीं की थी। भारत के संतों, धर्माचार्यों, शंकराचार्यों का कोई समुचित सम्मान नहीं होगा, शासन उनकी बात नहीं मानेगा। अभी योग के इतने बड़े गुरु हैं स्वामी रामदेव, जिन्होंने विश्व भर में योग का प्रचार करके भारत का गौरव ऊंचा किया है। वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो उनसे जो व्यवहार किया गया उनके साथ शुरू में, ये तो कोई कल्पना नहीं कर सकता था। पुराने भारत में तो एक
प्रतिष्ठित ब्राह्मण या प्रतिष्ठित विद्वान ब्रिटिश कोर्ट में भी जाता था तो वहां के जो जज और मजिस्ट्रेट हैं वो बड़े आदर से उनको बैठाते थे, और जो देसी उस समय के मजिस्ट्रेट होते थे वो तो खड़े हो जाते थे। अगर परंपरागत समाज में होता तो स्वयं योग गुरु जिस समय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खड़े हो जाना चाहिए था, सम्मान करना चाहिए था। यही तो शास्त्रों में लिखा है, इतना बड़ा सन्यासी, ऐसा तेजस्वी योगी, विश्व भर में भारत क्या यश बढ़ाने वाला आया है, किसी को भी छोड़ के खड़ा हो जाना चाहिए आदर के साथ। तो वो कहाँ है? जिस जो भारत 15 अगस्त 1947 से पहले था वो है कहाँ? शंकराचार्य की गिरफ्तारी हो जाती है, योग गुरु पर एक जज छींटाकशी करता है या कुछ भी बातें करता है, ये तो अकल्पनीय है। तथाकथित जो प्रताड़ित जातियां हैं वो कहती हैं कि हम बाकी सबको भारत से भगा देंगे। स्टेट के हाथ में ये है कि चाहे जिस मंदिर का अधिग्रहण कर ले, और उसका जो राजस्व है और उसकी जो आय है और उसका जो चढ़ावा है, वहां श्रद्धा पूर्वक दान देने वाले धर्मनिष्ठ हिंदुओं के द्वारा जो दान और दक्षिणा दी जाती है, कई बार सोना चांदी भी, रत्न हीरे जवाहरात भी अर्पित किए जाते हैं संपन्न हिंदुओं के द्वारा, वो सब शासन का अधिकारी अपने कब्जे में कर ले, और उसके बाद वो चाहे तो उसको हिंदू धर्म के नाश की नित्य घोषणा करने वाले मजहबी उग्रवादियों या मजहबी लोगों को दे या चर्च के लोगों को दे। यानी जो हिंदू धर्म के साक्षात विरोधी हैं, प्रचंड विरोधी हैं, उनको हिंदू मंदिरों में चढ़ाए गए दान और दक्षिणा की भारी राशि, धन का बहुत बड़ा हिस्सा शासन के द्वारा दिया जाए, इसको कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। गांधी जी के समय ये अकल्पनीय था। गांधी जी से किसी ने प्रश्न किया कि अगर कोई मुसलमान हमारी जमीन पर, हिंदू ने प्रश्न किया, मस्जिद खड़ी कर ले तो क्या करें? ये यंग इंडिया में छपा है बाकायदे ये लेख, और हमने अपनी पुस्तक में भी दिया है उसका संदर्भ वगैरह, संपूर्ण गांधी वांग्मय में। गांधी जी ने उत्तर दिया कि ये तो बहुत सरल सा प्रश्न है, इसका सरल उत्तर है ऐसी मस्जिद को तुरंत गिरा देना चाहिए, दूसरों की जमीन पर खड़ी मस्जिद गिरा दो, और अगर तुम कमजोर हो नहीं गिरा पाते तो चलो ब्रिटिश कोर्ट में चले जाओ भाई, कोशिश करो कि न्याय मिले, लेकिन अगर शक्तिशाली हो, थोड़े भी शक्ति है तो गिरा दो। तो उसके हिसाब से तो गांधी जी के अनुसार ही हिंदुओं को 15 अगस्त 1947 के बाद ज्ञानवापी में जो मस्जिद का ढांचा बना था उसे तत्काल गिरा देना चाहिए था, मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी हुई मस्जिद है उसको तत्काल गिरा देना चाहिए था, और राम जन्मभूमि स्थान की तथाकथित बाबरी ढांचे को नष्ट कर देना चाहिए था और अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। तो गांधी जी की बात कहाँ मानी गई? कांग्रेस ने तो गांधी जी की कोई महत्वपूर्ण बात एक दिन नहीं मानी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि गांधी जी ने तो कल्पना ही नहीं की थी शंकराचार्य को गिरफ्तार किया जाएगा, धर्माचार्यों पर गोली चलाई जाएगी, और जिन्हें हम प्रताड़ित और उपेक्षित जातियां बता रहे हैं वो बाकी सबको भारत से निकाल देने या उनका दमन और उनके विरुद्ध आंदोलन की बात करेंगी और उनको सत्ता से बाहर रखेंगे, और आरक्षण का ऐसा प्रबंध होगा कि आप चाहे 9% अंक पाएं तो भी आप 95% अंक पाने वाले से ज्यादा पहले वरीयता आपको मिलेगी। ये तो गांधी जी के समय अकल्पनीय था। तो गांधी जी इररिलेवेंट हैं क्योंकि उन्होंने जो सोसाइटी इंडियन स्टेट ने यूरोप की और चर्च की प्रेरणा से रची है उसकी तो गांधी कोई कल्पना नहीं की थी। उस समय तो हिंदू समाज शक्तिशाली था, हिंदू समाज की संस्थाएं शक्तिशाली थी, जाति शक्तिशाली थी, खाप शक्तिशाली थी, संप्रदाय और मत शक्तिशाली थी। गांधी जी ने वो भारत देखा और उसी भारत में रमे रहे, उसी भारत में देखते रहे और उसी पर टीका टिप्पणी करते रहे, कुछ अच्छी बातें भी कही और ज्यादातर आलोचनात्मक बातें भी कहीं, लेकिन वो उस समय का भारत है 15 अगस्त 1947 के बाद। 15 अगस्त 1947 के पहले के भारत पर उन्होंने कहा, 15 अगस्त 1947 के बाद के भारत पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये भारत बिल्कुल उल्टा है। जो 15 अगस्त 1947 के पहले भारत था उससे तो ये बिल्कुल उल्टा है। यहाँ तो तथाकथित प्रताड़ित जातियां अब कह रही हैं कि हमको तो आप बड़े से बड़ा शासकीय पद दे दो, भले हम योग्यता में और परीक्षा में खड़े नहीं उतरे, और इसके अतिरिक्त भी सारा पद दे दो तो भी हम तुम्हारी तथाकथित उच्च जातियों के विरुद्ध पुस्तकें लिखेंगे, लेख लिखेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे, सभाएं करेंगे, मांग करेंगे, घृणा फैलाएंगे। ये गांधी जी के समय कहाँ समस्या थी? धर्माचार्यों का कोई सम्मान नहीं होगा, शासन जब चाहे किसी मंदिर को ले लेगा, उसके धन को मजहब और चर्च के लिए खर्च करेगा, जो कि
हिंदू धर्म के नाश के लिए काम करेंगे, इसके लिए मंदिर का धन जाएगा, इसके बारे में गांधी जी का कहाँ कुछ मिलेगा। और गौ वध अभी तक हो रहा है, उन्होंने कहा था मेरे लिए गौ रक्षा स्वराज्य से बढ़कर है। तो ये तो इरेलीवेंट है, गांधी जी की कोई भी बात इस समय के भारत के विषय में है ही नहीं। जिस भारत को देखकर गांधी जी बोल रहे थे वो भारत चला गया, वो भारत उन जवाहरलाल नेहरू ने जो उनके सहयोग से प्रधानमंत्री बने और फिर सोवियत संघ और इंग्लैंड दोनों से प्रेरणा लेके जो उन्होंने स्टेट का राज्य का ढांचा बनाया, जिसमें न केवल शासन बल्कि शिक्षा संस्कृति संचार माध्यम धर्म सभी पर शासन का नियंत्रण है, इसकी तो कोई कल्पना ही नहीं थी गांधी जी के समय। अब तो शासन जिसे चाहे उसे कोई अधिकार दे, जिसे चाहे ना दे, यहाँ तक कि प्रथम संविधान जो बना था उसमें संपत्ति एक मौलिक अधिकार था, उसको भी इन्होंने संविधान का ही दुरुपयोग करते हुए नष्ट कर दिया। आज तो भारत के नागरिकों के पास संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं है जो मूल संविधान में था। तो ऐसे भारत की किसने कल्पना की थी कि भारत के नागरिकों को संपत्ति का अधिकार नहीं रहेगा, शासन जब चाहेगा किसी की संपत्ति छीन लेगा, किसी की भूमि छीन लेगा, किसी का धन छीन लेगा, कहेगा कि घोषणा करो कि तुम्हारे पास कितना धन है कितना सोना है, फिर हम उसके ऊपर जो चाहे वो टैक्स लगाएंगे नहीं तो छीन लेंगे। ये तो अकल्पनीय था। वर्तमान भारत की किसी भी स्थिति के विषय में गांधी जी को तो कोई कल्पना नहीं थी, तो इसलिए गांधी जी इरेलीवेंट थे। ना तो उन्हें नेशन स्टेट के किसी ऐसे रूप की कोई जानकारी थी जो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि नागरिकों के जीवन के हर क्षेत्र को धर्म संस्कृति अध्यात्म शिक्षा संचार सभाएं, आप कोई पंजीकृत सोसाइटी बनाए उसी का महत्व है, तो यानी सभा बनाने के लिए भी शासन की अनुमति चाहिए, ये तो पहले कभी नहीं था। जो ब्रिटिशर्स ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया 1860 का, उसका हिंदू समाज तो उसका कोई संज्ञान, कुछ पढ़े लिखे लोग चतुर लोग ले रहे थे, बाकी तो कोई संज्ञान नहीं ले रहे। आखिर सनातन धर्म महामंडल और बड़े बड़े संगठन बने, गौ रक्षणी सभाएं बनी, तो उन्होंने कभी उनमें से कुछ ने पंजीयन भी कराया, लेकिन बिना पंजीयन के भी बड़े बड़े आंदोलन चल रहे थे, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही थी। और गांधी जी ने तो इसकी कल्पना नहीं थी कि शासन के नियंत्रण से सभा होगी, शासन से पंजीयन करके कोई संस्था चलेगी, शासकीय अधिकारियों की अनुमति से सब होगा। उन्होंने तो इंडियन आर्म्स एक्ट का भी विरोध किया था और कहा था कि मैं अंग्रेजों को अन्य बातों के लिए क्षमा कर सकता हूँ, पर इसके लिए कभी भी क्षमा नहीं करूंगा कि उन्होंने भारत को नामर्द बना दिया और शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये तो गांधी जी का कथन है। तो अभी तो वही है, इंडियन आर्म्स एक्ट नए रूप में अभी भी चल रहा है। गांधी जी की एक भी बात वर्तमान समाज पर लागू ही नहीं होती। ये समाज के पास न तो वो शक्ति है, न वो साधन है, न ये वो ढांचा है, न इसकी वो समस्याएं हैं जिनका समाधान गांधी जी ने सुझाया था। तो गांधी जी ने जिन स्थितियों पर समाधान सुझाए थे वो स्थितियां ही नहीं है, इसलिए वो इरेलीवेंट है। गांधी जी ने जिनको जिसको स्वराज्य से ज्यादा माना था गौ रक्षा को, वो गौ वध अभी भी जारी है, इसलिए वो इरेलीवेंट है। गांधी जी ने कहा था कि दूसरों की जमीन पर मस्जिद खड़ी है तो उसे तुरंत गिरा दो, वो यहाँ भारत शासन गिराने नहीं देगा, इसलिए वो इरेलीवेंट है। गांधी जी सब प्रकार से इरेलीवेंट है। और मेरा मान, अब गांधी जी के व्यक्तित्व पर थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। देखिए गांधी जी जिस दिशा में काम कर रहे थे वो दिशा यही थी, भले वो बातें कुछ उससे भिन्न कर रहे थे। जैसे उन्होंने अंग्रेजों का सबसे बड़ा शत्रु कौन था, अंग्रेजों की लिखा पढ़ लीजिए, चर्च और अंग्रेज दोनों की, अंग्रेज अधिकारी और चर्च दोनों की राइटिंग पढ़िए। चर्च का सबसे बड़ा दुश्मन था भारत का ब्राह्मण। ब्राह्मणों के विरुद्ध चर्च ने लगातार अभियान चलाया बहुत, और वो चलता गया अभियान। और ब्रिटिश शासन की का सबसे बड़ा शत्रु था ऐसे राजा जो देशभक्त हैं और जो धर्मनिष्ठ हैं। बहुत से राजा अंग्रेजों से मिल गए थे और उनके यहाँ महारानी के स्नानागार में स्नान करने की, शाही स्नान की विधियों के लिए बड़ी उपाधियां मिली हैं, नाइट नाइट उपाधियां मिली हैं। जाहिर है वो उनको बड़े रत्न जेवर देते होंगे। कुछ बहुत सारे हमारे यहाँ के जागीरदार उस समय गोरी मेमो को रखेल के रूप में रखने लगे थे, इस पर भी पुस्तकें हैं। भारत में बहुत सारी अंग्रेज स्त्रियां भिखारिन भी थीं, वेश्याएं भी थीं और रखेलें भी थीं। तो
एक अजीब सा वातावरण हो गया था। लेकिन तब भी जो अंग्रेजों को सबसे बड़ी चिढ़ थी कि जो राजा देशभक्त हैं और धर्मनिष्ठ हैं, जो अभी भी हमारे चर्च के प्रभाव में नहीं आते, उनसे वो चिढ़ते थे। गांधी जी ने और उनके साथियों ने क्या किया, अंग्रेजों के साथ मिलकर राजाओं के विरुद्ध वातावरण बनाया। राजकुमारी अमृत कौर ने स्वयं लिखा है कि राजाओं की जासूसी के लिए हमें भेजा जाता था, क्योंकि वो राजकुमारी थी पटियाला घराने की। स्वयं जैसे उन्होंने मीरा बहन कहा, वो ब्रिटिश व्यक्ति थी, उनको चूंकि वो अंग्रेज थी तो कई राजघरानों में जा सकती थी, तो उनका भी गांधी जी ने जासूसी के लिए, राजघरानों से जासूसी कराने के लिए उपयोग किया। तो राजाओं को सबसे पहले ब्राह्मणों को और राजाओं को बदनाम किया, उनके विरुद्ध प्रोपेगेंडा चलाया और फिर उनको शक्तिहीन किया। तो सबसे पहले तो हिंदू राजाओं के राज्य छीन लिए, पहले तो संधि में फिर भी अंग्रेजों के साथ संधि थी तो आपने भी संधि की और उन्होंने देशभक्ति के कारण संधि कर ली, और बाद में जो उनसे संधि हुई वो धीरे धीरे थोड़ा सा शुरू में कुछ दिया, फिर छीन लिया, फिर प्रिवी पर्स भी समाप्त कर दिया इंदिरा गांधी ने। तो भारत की राजनीतिक संरचना का जो सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि होते थे हिंदू राजा, सबसे तो पहले उनको नष्ट किया, और भारत की ज्ञान परंपरा के जो सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि होते थे ब्राह्मण और धर्मज्ञ विद्वान, उनको अपदस्थ किया, उनको बदनाम किया। तो ये तो गांधी जी और उनके सहयोगियों ने किया। इसका अर्थ है कि अंग्रेज जो चाहते थे, चर्च जो चाहता था, उसके लिए गांधी जी काम कर रहे थे। ये बात अलग है कि चर्च के विरुद्ध उन्होंने बहुत तीखी बातें भी कही हैं, तो वो शायद लोकप्रियता के लिए आवश्यक होता हो, जो कि उस समय समाज में बहुत जागरूक था। हिंदू समाज को 15 अगस्त 1947 के बाद धर्म के विषय में, अपने कर्तव्यों के विषय में, अपने शास्त्रों के विषय में बेहोश बनाने की कोशिश शिक्षा और संचार माध्यमों के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने की। उसके पहले तो ऐसा नहीं था, तो इसलिए आज वो स्थिति नहीं है, लेकिन उस समय तो हिंदू बहुत सजग थे, तो इसलिए हिंदुओं के, प्रबुद्ध हिंदुओं के बीच जो बातें मान्य थी, जो बातें लोकप्रिय थी और जिसको वो लोग अपने जीवन का बहुत ही मर्म भाग या महत्वपूर्ण भाग मानते थे, उन सबको उन्होंने दोहराया, क्योंकि पॉपुलर होने का यही तरीका है। आज भी नेता क्या करते हैं, मान लो राहुल गांधी को सनातन धर्म या हिंदू धर्म से चिढ़ है, या उसका उनका कहना है कि हमें धनियों से चिढ़ है कि नहीं ये पता नहीं, क्योंकि वो स्वयं धनी है और उन्होंने शेयर बाजार में काफी धन लगा रखा है और बड़ी बड़ी कंपनियों में भी धन लगा रखा है और विदेशों में भी धन लगा रखा है, लेकिन कहते हैं कि हम धनियों को सबको समाप्त कर देंगे और धन सब में बराबर बांट देंगे। लेकिन वो किसके लिए कह रहे हैं, क्योंकि इस बीच कांग्रेस पार्टी के सहयोग से नया धनिक वर्ग खड़ा हो गया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया, उससे जो कांग्रेस पार्टी के अनुकूल व्यापारी थे उनको बहुत कम और बहुत ही सस्ती ब्याज दरों पर बड़ी भारी ऋण राशियां ऋण के रूप में दी गई, और ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायता के नाम पर उनको बिजली लगभग मुफ्त दी गई और बहुत सारी सुविधाएं व्यापारियों को दी गई, यानी। और तो जो अंग्रेज, जो कांग्रेस के प्रिय लोग थे, ऐसे नए व्यापारी खड़े किए गए। अंग्रेजों ने भी यही किया था, परंपरागत व्यापारियों और परंपरागत जागीरदारों और परंपरागत रानियों और राजाओं को नष्ट करके अपना जो कोई चाटुकार हो उसको राजा बना देना, उसको रानी बना देना, उसको व्यापारी बना देना, बोली लगा के किसी व्यापारी का सब कुछ छीन के फिर बोली लगा के दूसरे को सेठ बना देना, सेठ बनाने की कोशिश करनी, यही कांग्रेस ने किया। जो पार्टी या खास तौर से कांग्रेस के शासक नेताओं के प्रति निष्ठावान हो, या उनको कमीशन देता हो, बड़ी चंदा राशि देता हो, पैसे खिलाता हो, उसको बैंक से कर्ज दिला दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे मुफ्त में बिजली दे दी, मुफ्त में इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं दे दी, सड़क दे दी। इस पर बहुत विस्तृत अध्ययन भारत में हो चुका है कि जितने जो सहयोग, जो धन, जो अनुदान गरीबों को दिया गया, उससे कई गुना अधिक धनियों को शासन ने राजकोष से सहायता दी, इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग के नाम पर और रिबेट के नाम पर, रियायत के नाम पर और मुफ्त बिजली के नाम पर, बहुत सस्ती बिजली दी गई, और ऊपर से बैंक का ऋण दिया गया, जिसमें से बहुत सारा ऋण बाद में माफ कर दिया गया या वो नहीं लौटाया गया तो पूछा ही नहीं। तो नए व्यापारी और नए उद्योगपति खड़े किए, परंपरागत व्यापारियों को नष्ट किया। तो गांधी जी ने क्या किया,
उस समय जो लोकप्रिय था वो बोले, राहुल गांधी भी आज क्या बोल रहे हैं, जो उनके सहयोग से कुछ नए सेक्शन खड़े हो गए हैं, कुछ धनी मुसलमान, कुछ धनी चर्च वाले, कुछ और भी तथा कथित पिछड़े वर्गों में से कुछ ऐसे लोग जो चर्च से प्रभावित हैं और मुख्य हिंदू समाज से घृणा करते हैं, इनको देखकर वो बोलते हैं। तो राजनेता सदा उनको देखकर बोलता है जो उसके समय में शक्तिशाली हो, प्रभावी। तो गांधी जी भी वो बातें करते थे, जो कि उस समय हिंदू समाज शक्तिशाली था, धर्मनिष्ठ था। वहां धर्म की बात नहीं करोगे, वहां खरी बात नहीं करोगे तो आप लोकप्रिय नहीं होगे। तो प्रबुद्ध हिंदुओं को प्रसन्न करने के लिए गांधी जी ने बहुत सी बातें कही। अगर कोई उनको कोट करे तो लगेगा वाह कितने भारतीय हैं, लेकिन ये उसे लगेगा जो बाकी संदर्भ नहीं जानता, क्योंकि तो उनसे अधिक भारतीय उस समय बहुत से लोग विद्यमान थे, गांधी जी उनमें सबसे कम भारतीय हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, बाकी सबकी चर्चा बंद करा दी और संपूर्ण गांधी वांग्मय बाद में इंदिरा गांधी ने प्रकाशित कराया, लेकिन पहले ही शुरू हो चुका था। तो संपूर्ण गांधी वांग्मय और संचार माध्यमों से और शिक्षा विभाग से प्रोपेगेंडा के द्वारा ऐसा खड़ा किया गया कि शायद गांधी अकेले ही थे। लेकिन जो विशेषताएं गांधी की बताई जाती हैं वो तो उस समय के संपूर्ण समाज की विशेषता थी, सत्य निष्ठा, अहिंसा, दान, कोमलता, धर्मनिष्ठा, शास्त्रों का पढ़ना। गांधी जी तो उसमें सबसे अनपढ़ थे, गांधी जी ने तो भारत में रहते हुए गीता पढ़ी ही नहीं थी, लंदन जाके पहली बार गीता का अनुवाद पढ़ा, इसलिए पढ़ा कि हमको लोकप्रिय होना है भारत में, अन्यथा भारत में तो घर घर में गीता, आज भी गीता को कंठाग्र करने वाले लोग भरे पड़े हैं। उस समय तो बहुत अधिक लोग थे, रामचरित मानस और अपने अपने इलाके की रामायण, चाहे वो तेलुगु में हो, चाहे तमिल में हो, चाहे मलयालम में हो, चाहे गुजराती में हो, चाहे मराठी में हो, चाहे उड़िया में हो, चाहे कश्मीरी में हो, चाहे पंजाबी में हो, सभी भाषाओं में राम कथाएं होती थी, राम कथाओं के पाठक होते थे और गीता के पढ़ने वाले होते थे, भागवत कथाएं बड़े पैमाने पर होती थी, आज भी होती हैं, सुदूर गांवों में भी भागवत कथा होती है, परंपरागत गुरु लोग बहुत सी कथा कह रहे हैं, जिनका प्रचार होता है शहरों में, केवल वो नहीं, परंपरागत गुरु अभी भी खूब कथाएं कह रहे हैं। अभी आज ही हमारे गांव में, रीवा जिले के एक गांव में भागवत कथा शुरू हुई, वो किस कौन कर रहा है, डिहिया के गुरु जी, मतलब छोटे से गांव के गुरु जी परंपरागत। तो ये सब वहां था। तो गांधी जी उस समय के जो प्रबुद्ध और संपन्न और प्रभावी हिंदू थे उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ धर्म की भी बातें बोलते थे। जवाहरलाल नेहरू और बाद में इंदिरा गांधी ने कोशिश की कि उन्हीं बातों को उछाल दिया जाए, जिससे कि धर्मनिष्ठ हिंदू समाज के प्रतिनिधि गांधी जी दिखे, लेकिन कुछ उठा प्रोपेगेंडा है। गांधी जी उनमें सबसे कमजोर थे, उन्होंने धर्मशास्त्र पढ़े ही नहीं थे और गीता उन्होंने अंग्रेजी का अनुवाद पहले पढ़ी फिर किसी तरह पढ़ी, और प्रबुद्ध हिंदुओं की दृष्टि तो उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया कि कह दिया कि गीता कभी कही नहीं गई, गीता तो एक काल्पनिक ग्रंथ है और महाभारत कभी हुआ ही नहीं, असली महाभारत तो व्यक्ति के हृदय में होता है, कोई महाभारत घटित ही नहीं हुआ और गीता कही नहीं गई, ये तो एक पुस्तक लिख दी गई है। एक और कहते हैं गीता मेरी माँ है, और नित्य प्रार्थना सभा में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से स्थित प्रज्ञा के लक्षणों तक रोज पाठ कराते थे, क्यों, लोगों को उदासीन बनाने के लिए, शांत बनाने के लिए, पूरा संदर्भ बताए बिना। और गीता को एक काल्पनिक ग्रंथ कहते हैं, महाभारत को एक काल्पनिक ग्रंथ कहते हैं, कभी महाभारत युद्ध हुआ ही नहीं और गीता का वो अर्थ नहीं है जो बताया जाता है। तो वो आदमी तो धर्मद्रोही है, लेकिन धर्म का समर्थक बनने के आवरण से ही उस समय लोकप्रियता हो सकती थी। जैसे इस समय हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने और हिंदू धर्म के विरुद्ध बोलने से बहुत बड़ा वर्ग राहुल गांधी को प्रश्रय देता है, राहुल गांधी का समर्थन करता है, और कुछ बहुत ही लीजे बाकी हिंदू भी कर देते हैं समर्थन। तो उसी प्रकार गांधी जी को उस समय के प्रभावी लोग तो सब धर्मनिष्ठ थे, इसलिए उन्हें बहुत सी बातें बोलनी पड़ी, लेकिन वो उस समय का था। आज के भारत के विषय में गांधी जी को कोई कल्पना नहीं थी, इसलिए गांधी जी पूरी तरह अप्रासंगिक। बाकी जो उनके निजी जीवन के प्रसंग हैं उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, वो प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने बहुत अच्छे से उनके विषय में, कई वीडियो में भी उनकी वार्ता उपलब्ध है, भाषणों में, लेखों में, पुस्तकों में भी, और अभी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी ने आपके चैनल में कहा। तो गांधी जी के निजी जीवन के विषय में अगर आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा, लेकिन मुझे आवश्यक नहीं लग रहा है, मुझे उनकी इस रेलिवेंस बतानी थी कि जो उनके विचार हैं वो वर्तमान भारत की किसी समस्या के लिए वो सहायक नहीं, वो केवल एक
अच्छा, गांधी जी को शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। जैसे शास्त्रों का ज्ञान होगा वो तो सनातन सूत्र बताएगा, लेकिन ये लोग जो केवल उस समय जब मुस्लिम सहयोग से कुछ मुस्लिम प्रभाव से कुछ इलाके में तरह तरह के संप्रदाय पनप रहे थे, जैसे प्रणामी संप्रदाय वहां था, वो बस उसको जानते थे, वो भी उसके केवल कर्मकांड को जानते थे। तो उन्होंने ना तो भारत का कोई शास्त्र पढ़ा, ना वो भारत की मूल जो परंपरा है उससे परिचित थे, ना वो किसी मठ में रहे, ना किसी संप्रदाय में रहे, ना उन्होंने आप जैसा मठ की कोई दीक्षा प्राप्त की। तो वो क्या जाने, वो ना तो भारत का शास्त्र जानते हैं, ना भारत का संप्रदाय जानते हैं, ना भारत की परंपरा जानते। उनके लिए ये सब स्लोगन्स हैं, नारे हैं, ताकि कैसे लोकप्रिय हों। जैसे नेताओं का मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज जैसे होती हैं, लोकमान्य तिलक के बाद कांग्रेस में ऐसे नेता आते गए जो केवल स्लोगन्स देते थे, और जो गंभीर नेता थे उनको जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने मिलकर किनारे कर दिए, जो गंभीर थे। तो गांधी जो है वो अपने समय के लोगों को खुश करने के लिए कुछ अच्छी बातें बोलते थे, लेकिन उनके कार्य की दिशा अंग्रेजों की सहायक थी, और वर्तमान भारत की स्थिति की उन्हें कोई कल्पना नहीं थी। ऐसे राज्य की उन्हें कोई कल्पना नहीं थी जो हिंदुओं के जीवन को तो पूर्ण नियंत्रित करें और मजहबी उग्रवाद और चर्च के विखंडनवाद को सरकारी खजाने से पैसा दे, अल्पसंख्यक कह के। इसकी तो गांधी जी के समय कल्पना ही नहीं थी, इसलिए गांधी जी इरेलीवेंट है। अगर आप इसके लिए गांधी जी को ढूंढने जाएंगे तो एक भी शब्द नहीं मिलेगा कि मजहबी उग्रवाद के विरुद्ध हम क्या करें, गांधी जी कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि मजहबी उग्रवाद का सरकारी खजाने से पोषण हो रहा है। चर्च के विस्तारवाद और विखंडनवाद का हम क्या करें, सरकारी खजाने से पैसा दिया जा रहा है कि जाओ तुम हिंदू धर्म को गाली दो, ब्राह्मणों को खलनायक बताओ, क्षत्रियों को गलत राजा बताओ, धनियों को शोषक बताओ। ये तो गांधी जी के समय तो शुरू शुरू हुआ था, तो इसलिए गांधी जी आज के भारत के लिए इररिलेवेंट हैं, अप्रासंगिक। अब बहुत कोई ही अच्छा, आपकी मेरा कोई क्वेश्चन है नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ आपको ध्यान से, क्योंकि इतना ज्यादा मैंने गांधी के गुण कभी सुने नहीं, तो पहली बार सुने हाँ बट मुझे एक्चुअली मुझे एक सिर्फ प्रभुपाद का एक शब्द याद है, वो उन्होंने बोला था कि महात्मा गांधी ने भारत को आजादी नहीं दिलाई, वो सुभाष चंद्र बोस ने दिलाई है। ये प्रभुपाद की कथन है। बिल्कुल सही बोला बिल्कुल उन्होंने, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। और तब से ही मुझे गांधी पे कोई विश्वास नहीं है। और गीता का एक श्लोक होता है, महात्मानस तु माम पार्थ विद्धि पार्थ जनार्दनम, तो उस गीता के आधार पे तो महात्मा गांधी महात्मा कहलाने योग्य नहीं है, नहीं, महात्मा तो उन्होंने अंग्रेजों ने प्रचारित किया, अंग्रेजों ने स्वयं किया। महात्मा भारतीय कोई उन्हें, लेकिन मुख्य बात इसमें यह है जो आपने कहा कि उन्होंने आजादी नहीं दिलाई, ये निरर्थक कथन है। आजादी दिलाना उनका लक्ष्य ही नहीं था, ये प्रमाणित है, और ये उन्होंने स्वयं कहा है, लोग भूल गए। ये तो बाद में सिनेमा के गाने 1952 तक उनमें बना दिए गए कि दे दी हमें आजादी बिना खत बिना धार। गांधी जी के समय ये गाना नहीं था, जब तक गांधी जी जीवित थे ये गाना कोई नहीं गाता था कि दे दी हमें आजादी बिना खत बिना धार। ये तो कम्युनिस्टों ने भारत विभाजन के बाद हिंदुओं को शांत करने के लिए 1950 में ये गाना रखा गया। गांधी जी के समय ये गाना नहीं था, और गांधी जी कहते थे, ये तो गांधी जी का लिखित है, कि मैं चाहता हूं कि अंग्रेज भले यहाँ रहें, लेकिन अंग्रेजी सभ्यता की जो बुराइयां हैं वो यहाँ न रहे। तो वो सारी बुराइयां तो आ गई। उन्होंने तो अंग्रेजों को भगाने की कभी बात ही नहीं की। जब वो आजाद हिंद फौज की लड़ाई से ऐसा लगने लगा कि शायद वो आ जाएंगे और सुभाष चंद्र बोस सारे देश में लोकप्रिय हो गए, तब इन्होंने कहा कि तब अंग्रेजों ने कहा कि अगर हमें जाना भी पड़े तो तुम एक वो करो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय ब्रिटिशर्स, कांग्रेस का। कांग्रेस ने कहा, मुंबई में सभा की, और उसमें ये कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्यों? क्योंकि अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो यश लेने के लिए, श्रेय लेने के लिए, कि सुभाष चंद्र बोस को श्रेय नहीं जाए, हम ही को श्रेय जाए कि देखो हमने अंग्रेजों को भगा दिया। तो ये तो स्ट्रेटजिक और दूरतापूर्ण कथन था। अंग्रेजों को भारत से हटाना गांधी जी का कभी लक्ष्य नहीं था, राजनीतिक आजादी दिलाना उनका पर्पस ही नहीं था, प्रयोजन ही नहीं था। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया, और दर्शकों को बोलूँगा इसको ध्यान से सुने, वापस सुने, और इस पे थोड़ा सा मनन भी करें, और अपने बच्चों को भी यही इतिहास बताएं, क्योंकि यही इतिहास बताना चाहिए बच्चों को जो वास्तविक हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आपके लिए काफी समय भी हो गया इस बार, तो दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। नमस्ते, जय जगन्नाथ।